हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू डॉक्टर आसिफ लेक्चर्स। हम पढ़ रहे हैं थोरेक्स की एनाटॉमी, किताब का नाम है BD84 और आज जो चैप्टर हम डिस्कस करेंगे दैट इज चैप्टर नंबर 15 ऑफ वॉल्यूम 1 ऑफ BD84 और ये टॉपिक है थोरेसिक कैविटी एंड प्लूरा। अच्छा, ये प्लूरा का ऑब्वियसली प्लूरल लिखा हुआ है, प्लूरियाए, बिकॉज हम दो प्लूरा डिस्कस करेंगे, विसरल प्लूरा एज वेल एज पैराइटल प्लूरा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ये कि बेसिक कॉन्सेप्ट थोरेसिक कैविटी का आपको पता होना चाहिए। ऑब्वियसली इज द कैविटी, फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, सो थोरिक्स के अंदर जो ये पूरी कैविटी है इसका नाम है थोरेसिक कैविटी। ओके, सो दैट समथिंग ईजी टू अंडरस्टैंड, इसमें कोई ऐसी मुश्किल चीज नहीं है। बट आपको ये पता होना चाहिए कि जो थोरेसिक कैविटी है उसमें एक और कैविटी एग्जिस्ट करती है विच वी मस्ट अंडरस्टैंड एंड दैट इज द प्लूरल कैविटी। देखें, ये जो पूरा थोरेक्स है ऑब्वियसली यहां पे ये रिब्स होंगी, इंटरकॉस्टल स्पेसिस होंगी, सो दैट इज द थोरेसिक वॉल। और थोरेसिक वॉल के अंदर जितनी कैविटी है उसको तो हमने नाम दे दिया थोरेसिक कैविटी, लेकिन इसके अंदर यहां पर लंग्स के अराउंड दो मेम्ब्रेन्स हैं। सो दिस इज द राइट लंग एंड दिस इज द लेफ्ट लंग, ये दोनों लंग्स हैं एंड इफ यू सी दे आर सराउंडेड बाई टू मेम्ब्रेन्स। एक मेम्ब्रेन ये है जो बाहर की तरफ है, ये भी प्लूरा है, और एक मेम्ब्रेन ये जो लंग्स को बिल्कुल सराउंड कर रही है ये भी प्लूरा है, इसे हम नाम देते हैं विसरल प्लूरा। और ये वाली जो बाहर प्लूरा है इसे कहते हैं पैराइटल प्लूरा, ठीक है। और इन दोनों प्लूरल मेम्ब्रेन्स के बीच में ये जो पिंकिश सी कैविटी है दिस इज कॉल्ड द प्लूरल कैविटी, ठीक है। तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। डिफरेंट तरह से ये डिफरेंट सेक्शंस और डिफरेंट प्लेन से यहां पे दिखाया हुआ है इस डायग्राम को, that is somebody vertical standing and you are looking at the thoracic cavity, ye phir ek section dikhaya hua hai, again the concept is same, this is a lung aur lung ke ird gird jo do membranes hain these are the visceral pleura and the parietal pleura aur beech mein ye hogi pleural cavity aur ye puri thoracic cavity kehlayegi, okay। so let's start reading this। the spongy lungs occupying a major portion of the thoracic cavity are enveloped by a serous cavity। now that's an important line ki puri jo thoracic cavity mein sabse bada organ kaun sa maujood hai, lungs, लेकिन लंग्स के सराउंडिंग में एक और कैविटी है विच इज अ सीरियस कैविटी। उसका रीजन ये है क्योंकि जो प्लूरल मेम्ब्रेन्स हैं पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा जो मैंने अभी आपको दिखाई वो दोनों सीरियस मेम्ब्रेन्स हैं, दे आर ड्राइव्ड, दे आर कंपोज्ड ऑफ मेसोथेलियल टाइप एपिथेलियल लाइनिंग, सो दीज आर सीरियस मेम्ब्रेन्स, इसीलिए उनके बीच में ये जो कैविटी है ऑल दिस कैविटी विच इज द प्लूरल कैविटी इट इज द सीरियस कैविटी। सो एक बड़ी थोरेसिक कैविटी है, लंग्स हैं और लंग्स के इमीडिएटली बाहर कौन सी कैविटी है, इट्स अ सीरियस कैविटी which is called the pleural cavity, ठीक है, this is the pleural cavity, यहां लिखा भी है, there is always a slight negative pressure in this cavity, ये important बात है कि जो पूरी thoracic cavity या pleural cavity है, उसमें एक negative pressure होता है, वो negative pressure important इसलिए है, क्योंकि ये negative pressure lungs को expanded form में रखता है, ठीक है, अगर ये negative pressure नहीं होगा यहां पर, so lungs जो हैं वो collapse हो सकते हैं, during inspiration the pressure becomes even more negative, ताकि lungs expand हो सकें और air अंदर आ सके लंग्स में, सो ये बात आपको पता होनी चाहिए। विसरल लेयर इज इनसेपरेबल फ्रॉम द लंग, यानी ये जो विसरल लेयर होती है दैट्स काइंड ऑफ द वेरी क्लोज यू नो कवरिंग ऑफ द लंग। सो अगर ये लंग है फॉर एग्जांपल, सो इसके बिल्कुल आउटर सरफेस के साथ चिपकी हुई जो प्लूरल मेम्ब्रेन है दैट इज कॉल्ड द विसरल प्लूरा, ओके, और जो पैराइटल प्लूरा है वो बाहर की तरफ है ऑब्वियसली, सो द आउटर इज द पैराइटल प्लूरा, और ये डिफरेंट पार्ट्स पे इसको हम डिवाइड करते हैं, वो पैराइटल प्लूरा जो डायफ्राम की तरफ होती है यानी ये वाली लेयर, दिस इज कॉल्ड डायफ्रैगमेटिक पैराइटल प्लूरा, फिर वो लेयर है जो रिब्स की तरफ होती है, इसे कॉस्टल प्लूरा नाम दिया जाता है, सो इफ यू लुक एट दिस, दिस इज कॉस्टल प्लूरा, इफ यू लुक एट दिस वन, दिस इज डायफ्रैगमेटिक प्लूरा, और फिर जो मीडियास्टिनम, ये सेंट्रल जो पार्ट है थोरेसिक कैविटी का, दिस इज द मीडियास्टिनम, मीडियास्टिनम की तरफ जो पैराइटल प्लूरा है दिस इज कॉल्ड मीडियास्टिनल प्लूरा, और फिर एक प्लूरा का पार्ट वो है जो नेक रीजन में जाता है, दिस इज कॉल्ड सर्वाइकल प्लूरा। तो बेसिकली जो पैराइटल प्लूरा है इट इज डिवाइडेड इंटू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स सच एज सर्वाइकल, कोस्टल, रिब्स की तरफ, डायफ्रामेटिक, डायफ्राम की तरफ, और मीडियास्टिनल जो मीडियास्टिनम की तरफ है, ठीक है। सो दिस इज ऑल व्हिच यू हैव टू रिमेंबर एज द इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ टुवर्ड्स द थोरेसिक कैविटी। अब बात को जरा डिटेल में आगे बढ़ाते हैं। प्लूरा, नाउ इस पूरे चैप्टर में हमको बेसिकली पढ़ना ही ये है कि प्लूरा के क्या क्या कंपोनेंट्स हैं, प्लूरा की नर्व सप्लाई क्या है और प्लूरा की सरफेस मार्किंग्स क्या है। सो लेट अस स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज प्लूरा। प्लूरा इज अ सीरियस मेम्ब्रेन, व्हेन वी से इट्स अ सीरियस मेम्ब्रेन, व्हेन वी से इट्स अ सीरियस मेम्ब्रेन इट इज सीरियस एज वेल बिकॉज देर आर सो मेनी इंपॉर्टेंट डिजीजेस विच आर एसोसिएटेड विद प्लूरा, सर्जरी हो, न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, पढ़ेंगे
इन सब के बारे में. सो ये टॉपिक सीरियस भी है बेसिकली. बट एनीवेज द मेम्ब्रेन इटसेल्फ इज सीरस मेम्ब्रेन और इसका मतलब ये होता है कि इट इज लाइंड बाय अ मेसोथेलियम फ्लैटेंड एपिथेलियम. ठीक है. और देयर आर टू प्लूरल सैक्स व्हेन दे से इसका क्या मतलब है. प्लूरल सैक का मतलब ये, कोई डायग्राम दिखाता हूं तो बात आसानी से समझ में आए. सो लुक एट दिस डायग्राम. यहां पे ये सैक्स अच्छे से समझ में आ रहे हैं. सो ये देखें ट्रेकिया है. ट्रेकिया दो ब्रोंकस में डिवाइड हुआ और फिर ये लंग्स हैं. सो दिस इज अ लंग. ये थोड़ा छोटा हो गया बिकॉज दैट्स अ डिजीज कंडीशन. पढ़ेंगे अभी इसके बारे में. दैट्स अ लंग एज वेल. लंग के बिल्कुल बाहर जो प्लूरा होगी दिस पिंकिश थिंग इज द विसरल प्लूरा और उसके बाहर जो ब्लूइश थिंग है दैट इज द पैराइटल प्लूरा और बीच में ये जो है दिस इज द प्लूरल कैविटी. या प्लूरल कैविटी कहिए या प्लूरल सैक कहिए, एक ही बात है. ओके. सो देयर इज अ राइट प्लूरल सैक एंड देयर इज अ लेफ्ट प्लूरल सैक. सो ये जो प्लूरल सैक्स हैं दे आर प्रेजेंट ऑन बोथ पार्ट्स ऑफ योर बॉडी राइट एंड लेफ्ट. ईच surrounds the lung. Okay, there are two pleural sacs, yeah, pleural cavities, one on either side of the mediastinum. So center mein obviously there is the mediastinum. Right side pe lung hai, uske ird gird pleural cavity. Left side pe lung hai, uske ird gird pleural cavity. Now each pleural sac is invaginated from the medial side by the lung so that it has an outer parietal layer. Ye baat hum samajh chuke. And the inner visceral layer. Development ke dauran hota ye hai. Isko aise imagine karein ki there is this pleural cavity like this and then on the left side there is this pleural sac or यहां से इसमें लंग्स बड्स जो हैं वो घुसना शुरू होते हैं राइट और लेफ्ट साइड से. तो जब वो यहां घुसना शुरू होंगे सो इट विल बिकम समथिंग लाइक दिस. और अगर मैं इसको इरेज कर दूं तो ये एरिया अब खत्म हो गया और दोबारा इसको ड्रॉ करते हैं. इट बिकम्स लाइक दिस. ये क्या हो गया, ऐसे कोई चीज अंदर घुस गई है. वो क्या चीज घुसी है, लंग्स घुसे हैं. अब जब लंग्स इस तरह से इनवेजिनेट कर जाते हैं ड्यूरिंग डेवलपमेंट तो ये देखें जो प्लूरल सैक था पूरा ये एक ऐसी लेयर में बन जाता है, कन्वर्ट हो जाता है जो बिल्कुल लंग के साथ चिपका हुआ है और एक बाहर वाली लेयर बन जाती है. तो इसको हम नाम देते हैं विसरल प्लूरा, इसको हम नाम देते हैं पैराइटल प्लूरा और बीच में ये जो कैविटी है ये प्लूरल कैविटी है. ठीक है. तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है. द टू लेयर्स यानी कि पैराइटल और विसरल प्लूरा आर कंटिन्यूअस विद ईच अदर अराउंड द हाइलम ऑफ द लंग एंड इनक्लोज बिटवीन द पोटेंशियल स्पेस द प्लूरल कैविटी. हम पढ़ चुके हैं कि व्हाट इज प्लूरल, दो मेम्ब्रेन्स के बीच में जो कैविटी है दैट इज प्लूरल कैविटी. ओके. नाउ विसरल प्लूरा जो कि अंदर वाली लेयर है इट इज ऑल्सो नोन एज पल्मोनरी प्लूरा. दिस इज इंपॉर्टेंट और ये मेक सेंस करता है. इट शुड मेक सेंस टू यू बिकॉज लंग्स के बिल्कुल चिपकी हुई मेम्ब्रेन है. सो ट्रेकिया ये ब्रोंकस है और ये लंग्स है. सो लंग्स के साथ बिल्कुल जो चिपकी हुई प्लूरल मेम्ब्रेन है दैट इज आइदर कॉल्ड विसरल या चूंकि ये लंग्स के साथ चिपकी हुई है इट इज ऑल्सो कॉल्ड पल्मोनरी. ठीक है. इट कवर्स द सर्फेस एंड फिशर्स ऑफ द लंग्स कंप्लीटली एक्सेप्ट एट द हाइलम एंड अलॉन्ग द अटैचमेंट ऑफ द पल्मोनरी लिगामेंट वेयर इट कंटिन्यूज विद द पैराइटल प्लूरा. इट इज फर्मली एडहेरेंट टू द लंग, वेरी इंपॉर्टेंट point and cannot be actually separated from the lung. So ye lung ke sath bahut hi wo kehte hai na bedardi se chipki hui hoti hai, bilkul cannot be separated. Okay. Acha surface marking of the visceral pleura ya pulmonary pleura is very important. Exam mein ye aksar poochte hain, balki kai medical colleges mein se they ask somebody a volunteer, usko bitha dete hain aur aapko koi chalk ya marker deke kehte hain ki pleura ki surface marking kijiye visceral pleura ki. So ab jo paragraph padhane laga hu, samjhane laga hu, is par pay attention because this is an important paragraph. The apex of the visceral pleura coincides with the cervical pleura. Abhi samjhata hu ye baat diagram par bhi. पॉइंट नंबर वन इज द एपेक्स. एपेक्स यानी सबसे ऊंचा पार्ट विसरल प्लूरा का इज पॉइंट नंबर वन इन द डायग्राम दैट विल सी इन अ मोमेंट. राइजिंग 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल. नाउ लुक एट दिस डायग्राम. दैट इज ऑल वेयर डिफरेंट पॉइंट्स आर मेंशनड और वो पॉइंट्स अगर आपने याद कर लिए तो आपको विसरल प्लूरा और इवन पैराइटल प्लूरा की सर्फेस मार्किंग समझ में आ जाएगी. ठीक है. सो इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज ऑब्वियसली द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट साइड एंड पर्सन इज स्टैंडिंग आपकी तरफ मुंह करके खड़ा हुआ. ये कौन सी बोन है, दिस इज क्लेविकल. क्लेविकल का जो मीडियल थर्ड है उससे 2.5 सेंटीमीटर ऊपर एक इन्होंने डॉट लगाया हुआ है, दैट इज पॉइंट नंबर वन. ये देखें पॉइंट नंबर वन लिखा हुआ है. दिस इज द अपर बॉर्डर और द एपेक्स ऑफ द विसरल प्लूरा. पिंक वाली जो लाइन चल रही है दिस इज द विसरल प्लूरा. ठीक है. सो ये जो पहला डॉट है ये आपने लगाना है. अगर बंदा आपके सामने बैठा हुआ है तो फर्स्ट डॉट लगेगा मीडियल वन थर्ड ऑफ द क्लेविकल से 2.5 सेंटीमीटर ऊपर, ये पहला डॉट है. सो दिस इज द एपेक्स ऑफ द विसरल प्लूरा. देन देयर इज एन एंटीरियर बॉर्डर. एंटीरियर साइड पर पूरा एक बॉर्डर बनेगा
रहेगा ऊपर से लेके नीचे तक, ठीक है। उस बॉर्डर के पॉइंट्स हमें याद रखने हैं, पॉइंट नंबर 2 किधर है, पॉइंट नंबर 3 किधर है और पॉइंट नंबर 4 किधर है, और इन तीनों पॉइंट्स की एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखी हुई है और उसको हम डायग्राम में साथ साथ देखते भी जाएंगे। सो पॉइंट नंबर 2 इज एट द स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट। ये क्लेविकल है, ये सेंटर में स्टर्नम होती है जहां इसका पॉइंट बन रहा है ज्वाइंट का, दिस इज पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 3 इज इन द मीडियन प्लेन एक्सटर्नल एंगल। एक्सटर्नल एंगल ऑफ लुई आपको पढ़ाया था, विच इज बिटवीन द मेनुब्रियम और स्टर्नम की जो बॉडी है उसके बीच में सेकंड कॉस्टल कार्टिलेज, दिस इज पॉइंट नंबर 3, ठीक है। सो पॉइंट नंबर 1 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल थर्ड ऑफ द क्लेविकल, देन क्लेविकल और स्टर्नम का जो जॉइंट है दैट इज पॉइंट नंबर 2, देन पॉइंट नंबर 3 इज एट द स्टर्नो क्लेविकुलर जॉइंट, एंड पॉइंट नंबर 4 इज the median plane just above the ziffy sternal joint. ये ziffy sternal joint है, उसके ऊपर is point number 4. So ये सारे points चल रहे हैं। ये मैं जो आपको बता रहा था, this was on the left side, ये right side है। Left side पे एक difference ये होता है कि left side पे cardiac notch बनती है, तो वो भी थोड़ी देर में समझाता हूँ। Right side पे दोबारा same points है, 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, उसके बाद क्लेविकल और स्टर्नम का पॉइंट नंबर 2, देन पॉइंट नंबर 3 इज एट द स्टर्नल एंगल, और जो पॉइंट नंबर 4 है दैट इज इन द मीडियन प्लेन जस्ट अबव द ज़िफी स्टर्नल जॉइंट। ओके, सो दैट्स द ज़िफी स्टर्नल जॉइंट एंड दिस इज पॉइंट नंबर 4 ऑन द राइट साइड। अच्छा, ये जो एंटीरियर बॉर्डर बन रहा है वो ये पूरा एंटीरियर बॉर्डर फ्रॉम पॉइंट नंबर 1 टू 2 टू 3 टू 4 राइट साइड पर तो काफी स्ट्रेट है, लेकिन अगर आप लेफ्ट साइड पे देखें तो 1 2 3 4 और ये जो एक इस तरह कर्व आ रहा है लेफ्ट साइड पर, दिस इज बिकॉज यहां पर हार्ट मौजूद होगा, सो देयरफॉर दिस इज कॉल्ड द कार्डियक नॉच, ठीक है। द एंटीरियर बॉर्डर ऑफ द लेफ्ट विसरल प्लूरा कॉरेस्पॉन्ड टू द एंटीरियर मार्जिन ऑफ द प्लूरा अप टू द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज, यानी फोर्थ, इसको मैं थोड़ा सा क्लीन कर देता हूं डायग्राम को ताकि बात जरा आसानी से समझ में आ जाए, देयर इज टू मच मार्किंग हियर, सो लेट्स डू इट अगेन। सो राइट साइड पर जो एंटीरियर बॉर्डर है इट्स प्रीटी स्ट्रेट, लेफ्ट साइड पर जो एंटीरियर बॉर्डर है वो फोर्थ कॉस्टल कार्टिलेज तक तो स्ट्रेट रहता है, लेकिन उसके बाद इट कर्व्स अराउंड लेटरली, और वो लेटरली कर्व होके दोबारा मीडियल साइड पर टर्न करता है। सो ये एरिया पूरा कार्डियक नॉच का एरिया है, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इज रिटन हियर कि पॉइंट नंबर 1 जो रोमन में लिखा हुआ है, 2 पॉइंट नंबर 4 इट इज प्रीटी मच स्ट्रेट, लेकिन फिर ये लेटरली कर्व कर जाता है और उसका रीजन है प्रेजेंस ऑफ द कार्डियक नॉच। सो कार्डियक नॉच की बात हो गई और कार्डियक नॉच की जो लोकेशन है फ्रॉम द लेवल ऑफ द फोर्थ कोस्टल कार्टिलेज इट गोज लेटरली फॉर 3.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एक्सटर्नल मार्जिन एंड देन कर्व्स डाउनवर्ड्स एंड मीडियली टू रीच द सिक्स्थ कोस्टल कार्टिलेज 4 सेंटीमीटर फ्रॉम द मीडियन प्लेन। ये सारे पॉइंट्स आपने याद रखने हैं। एग्जाम में अगर एग्जामिनर पूछता है कि ये कितना लेटरली मूव करता है वो आपको पता होना चाहिए, फिर उसके बाद वो किस पोजिशन पर डाउनवर्ड एंड मीडियली मूव करता है, सो ऑल दीज पोजिशन शुड बी remembered by you, okay? These are all important. अच्छा जी, this is all it. Then the lower border, तो अब तक आपने क्या क्या सर्फिस मार्किंग पढ़ी है प्लूरा की? प्लूरा के एपेक्स के बारे में हमने पढ़ा कि वेर इज द एपेक्स, देन वी टॉक्ड अबाउट द एंटीरियर बॉर्डर, सो वन वॉज द एपेक्स, सेकेंड वॉज द एंटीरियर बॉर्डर। अब हम बात करते हैं इसके लोअर बॉर्डर की, विच इज द थर्ड बॉर्डर ऑफ द प्लूरा। नाउ द लोअर बॉर्डर ऑफ ईच विसरल प्लूरा लाइज 2 ribs higher than the parietal pleura. इसका मतलब ये है कि जहां parietal pleura चल रही होगी अगर यहां, तो जो visceral pleura है वो 2 ribs ऊपर होगी। रीजन उसका ये है ताकि इनके बीच में कैविटी एग्जिस्ट करे, और कैविटी अगर एग्जिस्ट नहीं करेगी तो सारा पर्पस किल हो जाएगा। उस कैविटी का काम यही है कि द कैविटी इज इंपॉर्टेंट फॉर इंस्पायरेशन, उसका जो नेगेटिव प्रेशर है वो इंस्पायरेशन के दौरान मजीद इंक्रीज होगा और लंग्स एक्सपैंड होंगे। सो एक कैविटी का होना जरूरी है, अगर ये दोनों मेम्ब्रेन्स आपस में चिपकी हुई होती so respiration का सारा purpose kill हो जाता है, ठीक है। so it crosses the sixth rib, sixth rib को lower border कहां cross करता है? in the mid clavicular line which is point number 5, so let's look at point number 5, this is point number 5, it this is the sixth rib, it is crossing the sixth rib, किस point पर ये cross कर रहा है? देखें sixth rib को, in the mid clavicular line, so this is the mid clavicular line and this is point number 5, okay, so it is crossing the sixth rib at the mid clavicular point, ये आपको points draw करना आने चाहिए। the eighth rib in the mid axillary line, point number 6 and roman 7, so point number 6 8th rib को cross कर रहा है mid axillary line में, और 7 8th rib को cross कर रहा है mid axillary line में, so obviously this is not from the lateral side, तो ये इतना clear नहीं समझ में आ रहा, but the point is कि ये landmarks आपको याद होने चाहिए। examiners न सिर्फ ये कि sometimes बंदा बिठा करके कहते हैं कि mark करें, but they also verbally ask you कि reflections बताइए, surface marking बताइए, visceral pleura की और parietal pleura की। ये इसलिए भी important है क्योंकि आगे जब हम clinical
एनाटॉमी पढ़ेंगे, क्लिनिकल पर्ल्स पढ़ेंगे थोरेक्स की कैविटी से एसोसिएटेड, तो बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस होंगी जिसमें आपको नीडल डालनी होगी थोरेसिक कैविटी में। उस नीडल का पर्पस ये होगा कि फ्लूइड ड्रेन किया जाए या एयर ड्रेन किया जाए। सो उस वक्त जब हम नीडल की बात करेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि कहां तक विसरल प्लूरा की बाउंड्री है, कहां पैराइटल प्लूरा की बाउंड्री है। सो दीज सर्फेस मार्किंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, अच्छा ये तो थी विसरल प्लूरा। एक दफा दोबारा से इसको रिपीट करते हैं विसरल प्लूरा को, बिकॉज आई एम स्पेंडिंग अ लिटिल मोर टाइम ऑन दिस, बिकॉज दिस इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टू रिमेंबर। इसके कौन कौन से पार्ट्स आपने याद रखने हैं, इसका एपेक्स का पार्ट आपको याद होना चाहिए, फिर इसका एंटीरियर बॉर्डर याद होना चाहिए जो राइट साइड पे बिल्कुल स्ट्रेट है लेकिन लेफ्ट साइड पे वो कर्व बनाता है कार्डियक नॉच के लिए, और फिर इसका लोअर बॉर्डर आपको पता होना चाहिए विच क्रॉसेस रिब नंबर 6 एंड रिब नंबर 8। तो ये आपको क्लियरली इनकी सर्फेस मार्किंग्स याद होनी चाहिए। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पैराइटल प्लूरा। The parietal pleura is usually more thicker than the pulmonary या visceral pleura and it is divided, ये पहले भी मैंने आपको बताया स्टार्ट में कि it is divided into four parts। जो ribs के साइड पर pleura है parietal, that is called costal pleura। जो diaphragm की तरफ है that is diaphragmatic pleura। जो mediastinum की तरफ है that is called mediastinal pleura। और जो ऊपर यानी clavicle से ऊपर जा रही है that is called cervical pleura। एक diagram भी यहाँ बताई है, so if you look at this diagram, this is the first rib। और ये बाहर की तरफ जो है दिस इज, यहाँ ऑब्वियसली रिब्स होंगी, सो दिस इज द एरिया विच इज टूवर्ड्स द रिब्स, इट इज कॉल्ड कॉस्टल प्लूरा। दिस इज द एरिया विच इज टूवर्ड्स द डायफ्राम, नीचे डायफ्राम होगा, सो दिस इज कॉल्ड डायफ्रामेटिक प्लूरा। ये मीडियास्टिनम की तरफ है, सेंटर में यहाँ पे हार्ट वगैरह होगा, सो दिस इज मीडियास्टिनल प्लूरा। और जो फर्स्ट रिब से ऊपर प्लूरा निकल रही है दिस इज फॉर द एपेक्स ऑफ द लंग, दिस इज कॉल्ड द सर्वाइकल प्लूरा। तो चार प्लूरा के सर्फेसिस आपको याद रखने हैं पैराइटल प्लूरा के, कॉस्टल प्लूरा, डायफ्रामेटिक प्लूरा, mediastinal pleura and cervical pleura, four parts, okay? So these are the four parts. Now costal pleura lines the thoracic wall which comprises of the ribs and the intercostal spaces. So costal pleura ribs ki taraf hoti hai, easy baat. Mediastinal pleura mediastinum ki taraf hoti hai. Cervical pleura jo hai that extends above the level of the first rib and encompasses the apex of the lung, okay? एंड उसके कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जो पहले भी मैंने आपको पढ़ाए थे जब मैं आपको ये दूसरे थॉरेक्स के लेक्चर्स पढ़ा रहा था, कि ये जो एपेक्स ऑफ द लंग वाला एरिया है इट इज रिलेटेड टू सबक्लेवियन आर्टरी एंड स्कैलिनी एंटीरियर। सो इंपॉर्टेंट ये इसलिए है क्योंकि इस एरिया में अगर सर्जरी होनी है किसी भी वजह से, सो यू हैव टू रिमेंबर कि यहाँ पे प्लूरा का भी पार्ट है। अगर ये प्लूरा डैमेज हो गई तो न्यूमोथॉरेक्स हो सकता है या हीमोथॉरेक्स हो सकता है, सो दैट इज एन एरिया विच ऑल्सो इनकैम्पेसेस प्लूरा, ओके? और डायफ्रामेटिक प्लूरा जो है दिस इज टूवर्ड्स द डायफ्राम, सो इफ इफ द पर्सन इज, सो दिस डायग्राम फॉर एग्जाम्पल इज गुड टू डेमॉन्स्ट्रेट दिस। दिस इज डायफ्राम, दिस इज एब्डोमिनल कैविटी, दिस इज थोरेसिक कैविटी, ये डायफ्राम है और इस डायफ्राम की तरफ ये जो प्लूरा है दिस इज कॉल्ड डायफ्राम Diaphragmatic pleura, okay? So ये चार parts of parietal pleura आपको पता होने चाहिए। Now some important features of parietal pleura, the cervical pleura is represented by a curved line forming a dome over the middle one third of the clavicle. This is easy to understand, very easy to understand। बार बार हम ये बात कर रहे हैं कि क्लेविकल के और फर्स्ट रिब के ऊपर इट्स अ डोम लाइक स्ट्रक्चर 2.5 सेंटीमीटर अबव द मीडियल एंड ऑफ द क्लेविकल, ठीक है? सो सर्वाइकल प्लूरा के बारे में ये आपको पता होना चाहिए। एंटीरियर मार्जिन जो है पैराइटल प्लूरा का ऑन द कॉस्टो मीडियास्टिनल लाइन ऑफ प्लूरल रिफ्रैक्शन इज एज फॉलोज। ऑन द राइट साइड इट एक्सटेंड्स फ्रॉम द स्टर्नो क्लेविकुलर ज्वाइंट डाउनवर्ड्स एंड मीडियली टू द मिड पॉइंट ऑफ द स्टर्नल एंगल, फ्रॉम हेयर इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड। सो ऑल दिस विच इज रिटन हेयर इज अगेन द सेम एज द डायग्राम एक्सप्लेन हेयर। सो जो इसमें पिंक वाला पार्ट है इस डायग्राम में दैट इज ऑल द विसरल प्लूरा, और ये जो पूरा ब्लू वाली आउटर लाइनिंग है दिस इज ऑल द पैराइटल प्लूरा। सो देर इज एन एपेक्स रीजन अगेन, और ये इसका पूरा इंटीरियर बॉर्डर चल रहा है, देखें इट इज वेरी क्लोज टू द विसरल प्लूरा, और लेकिन इट इज फर्दर अवे, यानी अगर मैं इसको यूं देखूं कि विसरल प्लूरा और पैराइटल प्लूरा के बीच में गैप्स मौजूद हैं, और ये गैप्स इंपॉर्टेंट है बिकॉज यही तो प्लूरल कैविटी है। सो प्लूरल कैविटी का कॉन्सेप्ट आपको यहां, तो एंटीरियर मार्जिन इज ऑलमोस्ट अलोंग साइड द विसरल एंटीरियर मार्जिन, जो विसरल प्लूरा का एंटीरियर मार्जिन था ऑलमोस्ट वैसे ही है, और लेफ्ट साइड पर भी देर इज अ कार्डियक नॉच एरिया, देख रहे हैं आप यहां पर कार्डियक नॉच बन रहा है, लेकिन यह कार्डियक नॉच एग्जैक्टली विसरल प्लूरा को फॉलो नहीं करता, ये स्टिल यहां पर थोड़ा सा एक्सटेंड होता है, एंड इस एक्चुअली एक्सटेंशन को हम नाम देते हैं कॉस्टो मीडियास्टिनल रेसेस, इसके बारे में अभी थोड़ी देर में पढ़ते हैं, ठीक है?
राइट right. अच्छा एंटीरियर मार्जिन के बाद देर इज एन इन्फीरियर मार्जिन, बिकॉज अगर दोबारा हम इस डायग्राम को देखें सो देर वॉज एन एंटीरियर मार्जिन, उसके बाद ये इन्फीरियर मार्जिन है. तो ये इन्फीरियर मार्जिन भी कौन से रिप को किस पॉइंट पे क्रॉस करता है ये इंपॉर्टेंट है. इट क्रॉसेज द 8th रिब इन द मिड क्लेविकुलर लाइन, 10th रिब इन द मिड एक्सिलरी लाइन एंड 12th रिब लेटरल टू द बॉर्डर, लेटरल बॉर्डर ऑफ द सैक्रोस्पाइनलिस मसल. सो ये तीनों लैंडमार्क्स आपको याद रखने. और ये इंपॉर्टेंट बात यहां पर ये है कि जो पैराइटल प्लूरा है ये थोड़ा थोड़ा दूर चल रही होती है विसरल प्लूरा से. सो अगेन लुक एट दिस डायग्राम, यहां पे दो इंटरकॉस्टल स्पेसिस का डिफरेंस होता है. दिस इज मैं अगर इसको मिटा दूं यहां पे दोबारा, सो दैट वी कैन हैव अ क्लोजर एंड क्लियर लुक. सो दिस पिंक लाइन इज द विसरल प्लूरा एंड दिस ब्लू लाइन इज द पैराइटल प्लूरा. तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ अबाउट 2 इंटरकॉस्टल स्पेसिस बिटवीन द 2. राइट सो ये इसके बाउंड्रीज हैं जो आपको याद रखनी है, सरफेस मार्किंग्स. अच्छा अब जो पैराइटल प्लूरा है इसमें एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है कि इट डिसेंड्स बिलो द कॉस्टल मार्जिन, यानी ये रिब्स को या थोरैसिक वॉल को इस तरह नहीं चिपका हुआ होता कि बिल्कुल जहां तक रिब्स है वहीं तक ये प्लूरा होगी. इट क्रॉसेस या इट डिसेंड्स बिलो द कॉस्टल मार्जिन एट 3 प्लेसेस, ये आपको याद रखने. एक है जिस विच इज एट द राइट ज़िफी कॉस्टल एंगल. ज़िफी कॉस्टल एंगल का मतलब ये है कि ज़िफाइड प्रोसेस और राइट साइड पे जो कॉस्टल मार्जिन है यहां पे जो ज़िफी कॉस्टल एंगल है, दिस इज वन प्लेस जहां पे पैराइटल प्लूरा रिब्स से डिसेंड करता है, यानी कॉस्टल मार्जिन से डिसेंड करता है, उससे नीचे होता है. ठीक है सो राइट ज़िफी कॉस्टल एंगल एट द राइट एंड लेफ्ट कॉस्टो वर्टिब्रल एंगल्स बिलो द 12th रिब बिहाइंड द अपर पोल्स ऑफ द किडनीज, ये मैं बताता भी हूं. पोस्टीरियर मार्जिन जो है पैराइटल प्लूरा का, इट पासिस फ्रॉम द 0.2 सेंटीमीटर लेटरल to the 12th thoracic spine to a 0.2 centimeter lateral to the 7th cervical spine, and this is the posterior margin. The costal pleura becomes the mediastinal pleura along this line, so that is something not I would worry about. But anyways, pulmonary ligaments are important. Acha pulmonary ligament jo hai ye actually extension hai parietal pleura ki, कहां पर? एट द हाइलम, एट द रूट ऑफ द लंग. सो रूट ऑफ द लंग पे होता ये है कि इफ यू लुक एट दिस डायग्राम, दिस इज द रूट ऑफ द लंग. और रूट ऑफ द लंग जब मैं बात कर रहा हूं, सो व्हाट डू वी बेसिकली मीन कि ट्रेकिया है, ये प्राइमरी ब्रोंकस हैं और यहां पे ये लंग पूरा है. सो दैट एरिया इज कॉल्ड द रूट ऑफ द लंग. ठीक है अब ये जो रूट ऑफ द लंग है यहां पे जो पैराइटल प्लूरा है ये देखो बिल्कुल ऐसे सर्कुलर सराउंड नहीं करती, यहां पे फिनिश नहीं हो रही बल्कि ये नीचे एक्सटेंड कर रही है. दिस इज एक्सटेंडिंग डाउन. अब ये जो नीचे एक्सटेंड कर रही है इस डाउनवर्ड एक्सटेंशन को नाम देते हैं पल्मोनरी लिगामेंट. सो दिस पल्मोनरी लिगामेंट इज बेसिकली अ फोल्ड ऑफ पैराइटल प्लूरा एट द रूट ऑफ द लंग. और इसका पर्पज ये होता है कि यहां पे देखो रूट ऑफ द लंग पे वेन्स हैं, वेसल्स हैं, तो अगर इन वेन्स और वेसल्स को किसी वजह से एक्सटेंड होना हो ड्यूरिंग इंस्पायरेशन या से फॉर वट एवर रीजन, इफ दे वॉन्ट टू एक्सपेंड दे नीड सम स्पेस समवेयर. और यूजुअली आपकी बॉडी में एनाटॉमिकल स्पेसिस इसी तरह से होती हैं कि जहां पे ब्लड वेसल्स हैं और उनको एक्सपेंशन रिक्वायर्ड होती है, तो साथ में एक कैविटी रखी जाती है, एक कैनाल रखी जाती है. इंग्वाइनल रीजन में भी हमने ये बात पढ़ी थी जब जहां फीमोरल वेसल्स हम डिस्कस कर रहे थे, तो वहां पे भी इस तरह एक डेड स्पेस मौजूद थी. सो दिस इज अ डेड स्पेस बेसिकली जो यूज होती है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन ऑफ दीज वेसल्स. ठीक है और इसके इर्द गिर्द जो पल्मोनरी एरिया में, पल्मोनरी हाइलम के एरिया में, रूट ऑफ द लंग के एरिया में यहां जो पैराइटल प्लूरा है दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी लिगामेंट. ओके सो पल्मोनरी लिगामेंट इज एन इंपॉर्टेंट लैंडमार्क जो आपको पता होना चाहिए. देन द रेसेस ऑफ प्लूरा, देर आर टू रेसेस ऑफ पैराइटल प्लूरा विच एक्ट एज द रिजर्व स्पेस. इनका भी काम रिजर्व स्पेस के तौर पर काम करना है. और वो रेसेसिस क्या है? द फर्स्ट वन इज कॉल्ड द कॉस्टो मीडियास्टिनल रेसेस. नाउ द कॉस्टो मीडियास्टिनल रेसेस इज प्रेजेंट एंटीरियरली, और ये नाम से जाहिर है कॉस्टो मीडियास्टिनल. सो इट इज बिटवीन ऑब्वियसली द कॉस्टल यानी कि रिब्स की सर्फेसिस और मीडियास्टिनम. डायग्राम पे देखते हैं इसको. सो लेट्स सी दिस इन द डायग्राम. और अगर ये वाली हम डायग्राम देखें तो उसमें ये इजिली नजर आ रहा है कॉस्टो मीडियास्टिनल रेसेस. सो दिस इज प्रेजेंट ऑन द एंटीरियर साइड और कॉस्टो मीडियास्टिनल, यहां पे मीडियास्टिनम मौजूद है, यहां पे ऑब्वियसली रिब्स मौजूद होंगी. सो यहां पर जो प्लूरा की एक्सटेंशन है दिस रेसेस, दिस एरिया, दिस इज कॉल्ड कॉस्टो मीडियास्टिनल रेसेस. ठीक है दूसरा जो रेसेस है दैट इज कॉल्ड कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस. सो ये रिब्स हैं और ये डायफ्राम है. यहां पे जो प्लूरा की एक्सटेंशन है और ये जो स्पेस बन रहा है दिस इज कॉल्ड कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस. और ये जो दोनों रेसेसेस हैं दीज आर रिजर्व स्पेसेस ताकि जब लंग्स को डीप इंस्पायरेशन करनी हो तो उनके एक्सपैंड होने के लिए कोई जगह मौजूद हो. ठीक है सो कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस इज द अदर रेसेस जो आपको पता होना चाहिए व्हिच वी हैव जस्ट सीन. नाउ द नर्व सप्लाई ऑफ द प्लूरा. अ प्लूरा का प्रिंसिपल ये है कि जो पैराइटल प्लूरा है दिस इज
बिकॉज दिस इज ड्राई फ्रॉम द सुमेरोपलोरिक लेयर ऑफ द लेटरल प्लेट मेसोडर्म, इसकी नर्व सप्लाई इज ऑलमोस्ट सिमिलर जो कि नर्व सप्लाई होगी थोरेसिक वॉल की, यानी कि इंटरकॉस्टल एंड फ्रेनिक नर्व्स। सो इंटरकॉस्टल और फ्रेनिक नर्व सप्लाई करेंगी पैराइटल प्लूरा को। अब कौन सी नर्व किस पार्ट को सप्लाई करेगी? देखो, जो पैराइटल प्लूरा का लेटरल पार्ट है जो थोरेसिक कैविटी की वॉल की तरफ है, यानी रिब्स और इंटरकॉस्टल स्पेसिस की तरफ है, वो वाला सारा पार्ट सप्लाई होगा विद द इंटरकॉस्टल नर्व्स, और वो पार्ट जो कि मीडियास्टिनम की तरफ है यानी कि मीडियास्टिनल प्लूरा, वो सप्लाई होगा वाया द फ्रेनिक नर्व। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट है नर्व सप्लाईज याद रखना, बिकॉज वो पार्ट प्लूरा का जो फ्रेनिक नर्व से सप्लाई हो रहा है यानी कि मीडियास्टिनल पार्ट, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम है, कोई पैथोलॉजी है, कोई पेन है, तो वो पेन रेफर होगा टुवर्ड्स द टिप ऑफ द शोल्डर, क्योंकि प्लूरा वहां भी क्योंकि फ्रेनिक नर्व वहां भी सप्लाई करती है। और अगर कॉस्टल मार्जिन या लेटरल पार्ट ऑफ द डायफ्रैगमेटिक प्लूरा जो है, यानी कि कॉस्टल मार्जिन वाला प्लूरा या डायफ्रैगमेटिक प्लूरा का जो लेटरल मार्जिन है, इस एरिया पर कभी भी कोई प्रॉब्लम होगा, तो ये जो पेन है ये रेफर होगा टुवर्ड्स द लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन, क्योंकि इंटरकॉस्टल नर्व्स वहां तक जाती हैं। लेकिन जो सेंट्रल पार्ट है यानी मीडियास्टिनल पार्ट या मीडियल पार्ट ऑफ द डायफ्रैगमेटिक प्लूरा, यहां कोई प्रॉब्लम होगा तो ये पेन रेफर होगा टुवर्ड्स द टिप ऑफ द शोल्डर, बिकॉज दिस रीजन इज सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व। So, एक बात और यहां पे इंपॉर्टेंट जो याद रखने की है वो ये कि जो पैराइटल प्लूरा है दिस इज सेंसिटिव टू पेन, ठीक है। जो विसरल प्लूरा है या जो पल्मोनरी प्लूरा है दैट इज नॉट सेंसिटिव टू पेन। तो ये आपको पता होना चाहिए कि पैराइटल प्लूरा इज पेन सेंसिटिव एंड द विसरल प्लूरा इज नॉट। और पैराइटल प्लूरा की जो लेटरल पार्ट्स हैं यानी कि कॉस्टल एरिया और लेटरल पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक एरिया सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल नर्व्स, और जो मीडियल पार्ट्स हैं दे आर सप्लाइड बाय द फ्रेनिक नर्व, ठीक है। Now, the pulmonary pleura is the other name for the visceral pleura, develops from the splenopleuric layer of the lateral plate mesoderm and is supplied by the autonomic nerves. The sympathetic nerves are derived from 2nd to 5th sympathetic ganglia, or baki jo iski nerve supply hai, that is from इट्स बेसिकली द सेम एज द नर्व सप्लाई ऑफ द लंग्स, क्योंकि जो विसरल प्लूरा है या पल्मोनरी प्लूरा है वो लंग्स को इतना टाइटली होल्ड करता है कि द ब्रोंकियल ब्लड सप्लाई भी इसी तरह से और नर्व सप्लाई भी इसी तरह से, कि द ब्रोंकियल नर्व्स बेसिकली सप्लाई द विसरल प्लूरा, ओके। एंड दिस इज नॉट सेंसिटिव टू पेन, दिस प्लूरा इज नॉट सेंसिटिव टू पेन। नाउ सिंपैथेटिक सिस्टम डायलेट्स द ब्रोंकाई एंड द पैरासिंपैथेटिक सिस्टम नैरोज इट डाउन एंड ऑल्सो सीक्रेट। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम, इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अच्छा, ब्लड सप्लाई और लिम्फेटिक ड्रेनेज भी सेम प्रिंसिपल है कि जो पैराइटल प्लूरा होगा दैट इज टुवर्ड्स द इंटरकॉस्टल वेन्स एंड सप्लाइड बाय द इंटरकॉस्टल आर्टरीज, और जो विसरल प्लूरा है इसकी सप्लाई वो होगी जो लंग्स की सप्लाई होती है, ठीक है। द पैराइटल प्लूरा इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द थोरैसिक वॉल, और जो विसरल प्लूरा है इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लंग्स। देयरफॉर द पैराइटल प्लूरा इज सप्लाइड बाय द सेम एज दैट ऑफ द बॉडी वॉल, जिसका मतलब ये कि इंटरकॉस्टल वेसल्स, इंटरनल थोरैसिक वेसल्स एंड ऑल दीज, ओके। द वेन drains mostly into the azygos and the internal thoracic system. The pulmonary pleura, however, जो कि visceral pleura है, it is just like the lungs and it is supplied by the bronchial arteries, ठीक है। अब कुछ clinical important points है जो आपको पता होने चाहिए कि aspiration of any fluid from the pleural cavity is called paracentesis thoracis. Paracentesis thoracis का मतलब है कि pleural cavity में किसी भी किस्म का liquid drain करना, वो liquid inflammatory liquid भी हो सकता है, वो liquid blood भी हो सकता है, वो liquid lymph भी हो सकता है। अभी इनके बारे में थोड़ी देर में इनके नाम डिफरेंट डिस्कस करते हैं, ठीक है। नाउ प्लूराइसी आईसी या आइटस इज यूजली द वर्ड यूज फॉर इन्फ्लेमेशन। सो इन्फ्लेमेशन ऑफ प्लूरा इज वेरी कॉमन इन निमोनिया फॉर एग्जाम्पल। न्यूमोथोरेक्स इज अ कंडीशन वेयर देयर इज एयर इन द प्लूरल कैविटी। हीमोथोरेक्स व्हेन देयर इज ब्लड इन द प्लूरल कैविटी। हाइड्रोन्यूमोथोरेक्स इज द कॉम्बिनेशन ऑफ लिक्विड फ्लूइड एज वेल एज एयर इन द प्लूरल कैविटी। एम्फाइमा इज द अक्यूमुलेशन ऑफ पस इन द प्लूरल कैविटी। ऑल दिस कैन हैपन ड्यूरिंग यू नो infections, inflammation, road traffic accidents, all these things, okay? Now, costal and
पेरिफेरल पार्ट्स ऑफ डायफ्रामेटिक प्लूरा आर इनर्वेटेड बाय इंटरकोस्टल नर्व्स, ये बात हम कर चुके हैं, और इसीलिए इंटरकोस्टल नर्व का जो रेफर्ड पेन है वो एब्डोमिनल वॉल की तरफ होगा, ठीक है। राइट शोल्डर की तरफ जो पेन जाएगा, इट मींस यू आर टॉकिंग अबाउट द फ्रेनिक नर्व सप्लाई, और फ्रेनिक नर्व मीडियास्टिनल प्लूरा को सप्लाई करती है। सो ये नर्व सप्लाई और रेफर्ड पेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब पेन ऑन द राइट शोल्डर मे अकर ड्यू टू इन्फ्लेमेशन ऑफ द गॉल ब्लैडर, राइट शोल्डर पे हो रहा है तो यहां पे कहीं गॉल ब्लैडर होगा, राइट साइड पे मीडियल पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक प्लूरा को इरिटेट करेगा और इसका रेफर्ड पेन होगा टुवर्ड्स द राइट शोल्डर। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि अगर पेशेंट गॉल ब्लैडर की इन्फ्लेमेशन का पेशेंट है और उसको राइट साइड पे पेन रेफर हो रहा है तो उसका रीजन यू शुड अंडरस्टैंड। प्लूरल इफ्यूजन कॉजेज ऑब्लुट्रेशन ऑफ द कॉस्टो डायफ्राम, ऑब्वियसली ये जो कॉस्टो डायफ्रामेटिक रेसेस है यहां पर अगर लिक्विड जमा हो जाएगा तो ये पूरा रेसिस, ये एंगल एक्सरे पर नजर नहीं आएगा। ओके, सो नथिंग डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हियर। प्लूरा एक्सटेंड्स बियॉन्ड द थोरेसिक केज एट द फॉलोइंग एरियाज, ये हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं कि कहां कहां पैराइटल प्लूरा एक्सटेंड करती है फ्रॉम द थोरेसिक केज, सो दैट्स काइंड ऑफ अ रिविजन देयर। नाउ ड्यूरिंग इंस्पायरेशन प्योर एयर इज विदड्रॉन, तो ये फिजियोलॉजी की बात है कि एयर अंदर आती है, किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है एंड ऑल दैट। नाउ क्लिनिक को एक प्रॉब्लम दिया इन्होंने, आइए इसको पढ़ते हैं। अ चाइल्ड अबाउट 10 ईयर्स ऑफ एज हैड बीन हैविंग सोर थ्रोट, कफ एंड फीवर, ऑन द थर्ड डे ही डेवलप सीवियर कफ, difficulty in breathing, high temperature, pain in the right side of the chest, जो कि right shoulder पर भी जा रहा है और umbilicus के इर्द गिर्द भी है, ठीक है। अब ये सारी बातें जो डेटा आपको दिया है, सवाल क्या पूछ रहा है, what is the probable diagnosis and what does the pain, why does the pain radiate to the right shoulder and the peri-umbilical region, ये तो मैं straight away आपको बता सकता हूं और आपको भी ये बात अब समझ में आनी चाहिए कि right shoulder पे pain इसलिए refer हो रहा है क्योंकि मीडियास्टिनल प्लूरा राइट साइड की या मीडियल पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक प्लूरा जो है वो अफेक्ट हो रहे होंगे, इसलिए राइट शोल्डर पे पेन जा रहा है, फ्रेनिक नर्व सप्लाई, ठीक है। एब्डोमिनल या पेरीएम्ब्लाइकल रीजन में क्यों जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि लेटरल पार्ट ऑफ द डायफ्रामेटिक प्लूरा या कॉस्टल प्लूरा भी इन्वॉल्व हो। सो बेसिकली इट लुक्स लाइक निमोनिया, पेशेंट को सोर थ्रोट हुआ था बट बाद में सीवियर सिम्टम्स हैं और सोर थ्रोट ट्रीट नहीं हुआ, वो एक्सटेंड हो गया और इट इज नाउ इन्वॉल्विंग द लंग्स, और लंग्स में भी ये काफी लंबा चौड़ा एरिया इन्वॉल्व कर रहा है क्योंकि पेरीएम्ब्लाइकल रेफर्ड पेन भी है जिसका मतलब इंटरकोस्टल नर्व्स, और शोल्डर पे भी पेन है जिसका मतलब ये है कि देयर इज इन्वॉल्वमेंट ऑफ द फ्रेनिक नर्व, विच मीन्स कि मीडियल साइड ऑफ द प्लूरा, लेटरल साइड ऑफ द प्लूरा, दीज आर ऑल इन्वॉल्व, सो इट्स अ बिग पैच और ये एक सीरियस प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि इट्स अ बिग पार्ट ऑफ द लंग इन्वॉल्व इन निमोनिया। ओके, अच्छा पेन हो क्यों रहा है, क्योंकि पैराइटल प्लूरा इन्वॉल्व है, जाहिर जब लंग में इंफेक्शन होगा तो प्लूरा भी इन्वॉल्व होती है और पैराइटल प्लूरा इन्वॉल्व है इसीलिए पेन फील हो रहा है। आपको मैंने बताया है कि जो विसरल प्लूरा है वो पेन इनसेंसिटिव है, ठीक है। सो दैट्स हाउ यू सॉल्व दिस क्वेश्चन, दिस इज ऑल अबाउट प्लूरा, प्लूरल कैविटी, एंड वी विल सी ईच अदर इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।